सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो में। मैं अभिनव, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे 10th of December 2018 के वहाँ पर जितने भी करंट के क्वेश्चंस होंगे उन सभी को इसी वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको हम बता दें कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको PDF के लिंक पर मिल जाएगी, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पुणे में इसका वहाँ पर आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र जो है या इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह जो है सेकेंड संस्करण है, दूसरा संस्करण है। इससे पहले पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो वो है कि हाल ही में इंद्र 2018 नौसेना अभ्यास भारत और किस अन्य देश के साथ किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, जो कि है रूस। रूस में यहाँ पर भारत और रूस के साथ यहाँ पर इंद्र 2018 नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाएगा विशाखापत्तनम में, जो कि 16 दिसंबर 2018 को होगा। इससे पहले यह अभ्यास जो है वहाँ पर 2003 में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल है कि मिस वर्ल्ड 2018 का ताज जो है वह किसने जीता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है वैनेसा लियोन। ठीक है, ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 2018 किसने जीता है, तो वैनेसा लियोन। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला, ठीक है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 23वें जिले का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सी योमी। 9 दिसंबर 2018 को वहाँ पर इसका जो है इस नए जिले का वहाँ पर निर्माण किया गया। ठीक है, और बताते चले कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो वह है कि हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1948 से ही यह जो है लगातार मनाया जा रहा है मानवाधिकार दिवस, और यह इस वर्ष जो है यह इसकी 70वीं वर्षगांठ है। और इस वर्ष का जो यहाँ पर थीम है वह है स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। आगे चलते हैं, तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसे अभयारण्य वन्य जीव सेवा पुरस्कार 2018 जीता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इमरान सिद्दीकी को यहाँ पर अभयारण्य वन्य जीव सेवा पुरस्कार दिया गया है 2018 का। यह जो पुरस्कार है यह दिया जाता है वहाँ पर वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के द्वारा, जो मुख्यतः बाघों पर नज़र रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो सवाल है वह है कि देश का पहला 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है केरल। ठीक है, केरल में भी हाल ही में, ठीक है, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वहाँ पर उद्घाटन किया गया है, और इस हवाई अड्डे के साथ ही केरल में सर्वाधिक, यानी देश का सर्वाधिक 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना केरल में हो चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले तिरुवनंतपुरम में, इसके अलावा कोचिन और कोझिकोड़े में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसके बाद केरल में जो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है यह यहाँ का 4th हवाई अड्डा है। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर, तो अगला जो सवाल है वह कि भारत का पहला अंतर्जलीय संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पुदुचेरी में। ठीक है, पुदुचेरी में वहाँ पर भारत का पहला अंतर्जलीय संग्रहालय खोला जाएगा। इसके बाद आगे चले, तो AIIB के द्वारा हाल ही में आंध्र प्रदेश को कितना का ऋण दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे पहले इसके बारे में बता दें कि AIIB क्या है। तो यह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसके द्वारा वहाँ पर जो ऋण की जो वहाँ पर संख्या थी वह थी $400 मिलियन, जो कि अरुणाचल प्रदेश को हाल ही में दिया गया है। किसके लिए, तो वहाँ पर सुरक्षित पेयजल और वहाँ के स्वास्थ्य को वहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद बात करें यहाँ पर आज के जो हमारे अगले प्रश्न की, तो वह है कि हाल ही में RBI के किस गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
ठीक है, तो यह जो इस्तीफा यह 10 दिसंबर को ही आया है, ठीक है, तो यह जो इस्तीफा यह किसने दिया है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि है उर्जित पटेल, ठीक है। उर्जित पटेल ने भी हाल ही में RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये थे हमारे आज यानी 10th of December के सारे करंट के क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है हमारा ऐसे में कि सैन्य साहित्य समारोह 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आंसर आपको हमें बताना है नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं यदि इसमें और किसी भी प्रकार की सुधार की ज़रूरत है तो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो बस तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।